यह दुनिया का सबसे बड़ा हावरक्राफ्ट, ये किसी पानी के शिप से बिल्कुल अलग होता है। ये बात जानकर शायद आपको हैरानी होगी क्योंकि ये पानी में तो चलते ही है, साथ साथ ये जमीन पर भी आसानी से चल सकते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट वाले 3 बड़े बड़े इंजन लगे हुए होते हैं जो इसको और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, ये पानी में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बोट के साथ चल सकते हैं, जहां करीब 550 टन वजन तक कैरी करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दूं, इतनी ज्यादा स्पीड किसी लग्जरी बोट में भी नहीं होती क्योंकि उसका कुछ हिस्सा पानी में होता है तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है। इनकी इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण क्योंकि ये पानी पे स्लाइड करते हुए चलते हैं। इनको खास तौर पर नेवी के लिए बनाया गया है, जहां इनको रशियन नेवी इस्तेमाल करती है। इनको खास तौर पर टैंक और वेपन ट्रांसपोर्ट करने के काम में लिया जाता है। ये एक बार में करीब 500 से ज्यादा सोल्जर को ले जाने में सक्षम होते हैं। इनमें किसी फाइटर जेट की तरह ही वेपन्स लगे हुए होते हैं, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं।